सोहेब वेलकम बैक ऑन चैनल, दिस इज आयतो पर्सन एंड यू वाचिंग आयतो पर्सन अ व्लॉग। सो अभी शाम के कुछ 5 बज रहे हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ वही पार्क में, राम दिनकर सिंह पार्क। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो ये गोपी एंड बिक्की, तो ये दोनों भी जा रहे हैं। इधर अपना ये एलएस कॉलेज जिसमें ये अच्छा खासा भीड़ लगा हुआ है। सो ऑल्टोपस मैं ही नहीं, मैं अपने इस ब्लॉग सेटअप के साथ जा रहा हूँ। और उधर जब पार्क में जा रहा हूँ वहाँ पर दिव्यांश एंड हर्ष भैया पहले से हैं, वहाँ पर वेट मेरा कर रहे हैं। ऑल दो अंधेरा हो जाने का फिर क्वालिटी फ़ोटो नहीं आ पाता है। तो चलते हैं अभी सबसे पहले अपने पार्क में। सो अभी अपना सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि अपने मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज है एंड मोबाइल ऑफ होने पे है जस्ट 1%। पता नहीं अभी हर पे ये लोग कहाँ पे हैं। मेरे को मोबाइल का वैसे भी कोई काम विशेष है नहीं, बट अभी कॉल करके कॉन्टैक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो आगे मेरे पूरे एकदम खाली है, यहाँ पर कुछ बच्चे अभी खेल रहे हैं। सो अभी हर्ष भैया को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हैं किधर, एंड उधर उनको फिर कैच किया जाए। हेलो, कहाँ हैं? ठीक है, आ रहे हैं। सो अभी कॉन्टैक्ट तो हो चुका है, जिस पार्क में हम लोग पहले गए थे उसी में है, तो चलिए वहाँ मिलते हैं पहले। फाइनली हम लोग राम दिनकर सिंह पार्क के पास आ चुके हैं। मेरे जस्ट सामने वहाँ पे है वो पार्क, एंड वहाँ पे अभी हर्ष भैया को ढूंढा जाए। अभी पता नहीं, शायद पार्क के अंदर ही फोटोशूट के लिए ये बुलाया गया है। तो चलो अभी पहले एंट्री लेते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ महात्मा गांधी पार्क के पास, और इसके जस्ट सामने राम दिनकर सिंह पार्क है जो कि उधर हमेशा बंद रहता है, अभी भी बंद होगा शायद, वो ड्यूक हॉस्टल के लिए होगा, बट ये जनरल खुला रहता है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे हर्ष भैया और दिव्यांश दोनों आ चुके हैं पहले से, और लेट हम है तो उससे भी पहले और अंधेरा हो जाए, फोटोशूट पहले कम्प्लीट कर लेते हैं। चलो पार्क, राम महात्मा गांधी पार्क जो आप कुछ इस तरह यहाँ पे देख सकते हो। सो फाइनली रीच्ड एट आवर महात्मा गांधी पार्क, और यहाँ पे भी फोटोशूट पहले अपना कंटिन्यू करते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं। तो हम लोग अभी अपने फोटोग्राफी के लिए एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं, एंड जस्ट सजेस्टेड लोकेशन इज वो एरिया जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। सो अभी वहीं पे हम लोग चल रहे हैं, एंड यहाँ पे वैसे पार्क में तो बहुत एरिया है जहाँ पे हम लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट वो एरिया वहाँ जो आपको दिख रहा है हम लोग उधर जा रहे हैं इस वॉल के तरफ। सो ऑल्दो खुला तो यही पार्क रहता है, बाकी जो पीछे पार्क है वो खुला हुआ नहीं मिलेगा। पार्क जो आपको एक आप भी आ सकते हैं वो यही पार्क है, एंड पीछे आप देख सकते फोटो शूट के लिए आ चुके हैं। यूट्यूब चैनल आदित्य कुमार सिन्हा ब्लॉग्स। ये रहा, ये गेट बंद है, वो गेट उस साइड से वहाँ खुला हुआ है, ये अभी बंद है। एंड जो हमारा फोटो शूट वाला लोकेशन है वो उस तरफ में ये वॉल है। सो इस वॉल के तरफ भी बहुत अच्छा फोटो अभी शूट हो सकता है, और यहाँ का जो भी फोटो शूट होगा वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में दिख जाएगा। यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड में यहाँ अभी फोटो शूट करेंगे। फाइनली हमारा सारा फोटोशूट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंड मेरा ब्लॉग भी यहाँ पे बन रहा है, एंड अभी अंधेरा होते जा रहा है। सो अभी ब्लॉग इससे ज़्यादा अंधेरा हो जाए, क्वालिटी ना आए, तो इससे पहले अपने ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इधर हमारे ऊपर हो गया मच्छरों का अटैक, मेरे सर के ऊपर आपको मच्छर दिख सकता है, तो कुछ भी बोलने पर भी सीधे मॉस्किटो मुँह में हमारे एंटर करेगा। और इधर आप देख सकते हो कितना मस्त पूरा, इधर सब लोग चल गए हैं तो अभी मस्त एकदम खाली सा बचा हुआ ये फाउंटेन। इस फाउंटेन के पास मैं कुछ फोटो के लिए सोच रहा हूँ, बट मेरे को आइडिया आ नहीं रहा वैसे। सो हम लोग का तो फोटोग्राफी व्लॉग सब चीज़ शूट हो गया, लेकिन हम लोग अभी इधर पार्क में रेस्ट करना चालू किए हैं, एंड इधर मैं ही और मेरे सामने तो ये दोनों मेरे साथ ही हैं, एंड इधर आपको मैं दिखाता हूँ ये हर्ष भैया, इधर ये देखा जाए दिव्यांश क्लिकिंग द फोटो ऑफ स्ट्रेंजर। ऑल्दो पब्लिक व्लॉगिंग करना इतना भी कोई डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है, मैं तो अभी पब्लिक व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ, बट हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर मैं शो करूँ कितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं तो लेट्स सी। यहाँ पे सामने से इतने लोग हैं, अभी ये जो खड़ी हैं ये देख रहे थे, ये भी थे, ये लोग हैं।
बट मेरा व्लॉगिंग तो हो पा रहा है एंड मेरे को तो बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था। बैकग्राउंड में अभी ये बहुत नॉइज आएगा इसलिए मैं थोड़ा दूर होकर इधर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरा तो व्लॉग अपना कंटिन्यू हो रहा है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। मेरा एग्ज़ाम का भी अभी बहुत डेट वेट ये सब चल रहा है। अभी मेरा हाल फिलहाल में आज प्रैक्टिकल मेरे को लिखना है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिखे फिर मेरे को कल सबमिट करना है। एंड इधर अपना ये पार्क में आप देख सकते हो पीछे ये अभी रोशनी अभी ही जला है, उससे पहले ये थोड़ा डार्क था। ऑल्दो कुछ लोग के सामने ब्लॉग करने में नहीं बनता है, जैसे अभी पीछे एक अंकल जा रहे थे उनके सामने ब्लॉगिंग में मेरे को बोलने में नहीं बन रहा था, बट मेरे कुछ लोग यहाँ पे हैं दिव्यांग लगे हुए हैं कि नए फ्रेंड के साथ हर सुबह इधर लगे हुए अपने बात करने में। ये अपना फाउंटेन देख सकते हो, रात वाला करना है, एक मिनट रुक जाइएगा अपना सेट कर पकड़िएगा भैया एक मिनट। हम तो आज फर्स्ट टाइम ही आए हैं पार्क में ऐसे ब्लॉगिंग करते। और कहाँ कहाँ गए हैं अभी? अभी तो बस यहीं पे, अभी यहीं का शूट करते हुए जा रहे हैं। नहीं और इसके अलावा? इसके अलावा हम ऐसे विशेष बाहर निकल के उतना शूट ही नहीं करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ करिएगा। तो अभी हम लोग को पार्क में इधर ये भैया मिले हैं जो कि इनका भी चैनल है, इनका चैनल आपको इधर मेरे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का फोटो शूट कंप्लीट हो गया था और बस अभी हम लोग को ये भैया मिले। 1 जनवरी से ये स्टार्ट किए हैं ब्लॉगिंग, उसमें ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ पकड़ना गोपी कैमरा उसको हम भी खरीदे थे वो डबल साइड वाला खरीदे थे, तो मोबाइल में अच्छा से काम नहीं कर रहा है। डबल साइड में कौन सा आता है? बोया MM1 Pro। अच्छा वो वाला चेक नहीं किया, हम तो एक ही यही वाला किए थे, ब्लॉगिंग में भी ठीक ठाक से काम कर ही देता है। अभी रात वाला दिन वाला तो हम बना गए, रात वाला बनाएंगे ठीक है। चेक करेंगे हम आपके चैनल पे आपका ब्लॉग, इधर 6th ब्लॉग ही है। हाँ दो ठो ही मुजफ्फरपुर का है ये और ये दिल्ली नहीं मिला, इसमें स्पैम कर दिया सर। इसमें कैसा वाला हुआ? अरे 5 नंबर पे आ गया था वो रिंग वाला में और वो दिया ही नहीं, बोल रहा है कि थोड़ा सा बाकी है। पूरा एग्जैक्ट थोड़ी आएगा, एग्जैक्ट कैसे आएगा, दिया ही नहीं वो। यही बहुत मजा किया डिजनीलैंड का, बनाए कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं बनाइएगा, उसमें जाके वो ना है बनाने वाला। 30 तारीख को शायद उसका खत्म हो रहा है ना डिजनीलैंड का। हाँ 30 को इसमें बताया है सब, हम उससे पूछे आप सियोर है ना, तो बोला कि हाँ पब्लिक के डिमांड पे आगे बढ़ भी सकता है। और इसे तो अभी ठंडी बढ़ रहा है, कहीं ना भी बढ़े। हाँ ये भी, बाकी आप तो बना चुके हैं, चलिए मेरे साथ भी घूम लीजिए। चलिए चलो। अरे ये माइक आप लगा लीजिए, ये इसका माइक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि एक कैमरा में काम नहीं करता, इसे एक ही एक डिमेरिट है। ब्लूटूथ से कनेक्ट होता होगा? हाँ नहीं, ब्लूटूथ कुछ यूज करने का जरूरत नहीं है, पुट एंड प्ले, एक बार लगाइए इसमें पुट करिए काम शुरू। बोलिएगा। हेलो। हाँ दिन वाला ब्लॉग तो आपने देख ही लिया है और ये रात का, अब हमने जैसे बोला था अब रात में आएंगे, लाइट चलेगा तो यहाँ पे फोटो शूट करेंगे। कम्प्लीट हो गया था और निकल ही रहे थे तो मेरे पाप से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा, मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बारहा, ए काश कैसा भी लाइट का डेकोरेशन इधर दिखेगा। हाँ। किस तरह की का ये लाइट है। मेरा ब्लॉगिंग इधर से इधर इस कैमरे से कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर भी डबल ब्लॉग, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग। इस एंगल का आपको मेरे चैनल पे आदित्य कुमार सिन्हा पे देखने को मिल जाएगा, इस एंगल से भैया का तो दिख ही रहा है। तो सिन्हा जी को भी सब्सक्राइब करिए और हमें भी सब्सक्राइब करिए, तो फिर आपसे और भी जाएंगे आपके साथ, इनके साथ और भी वीडियो बनाना है। अब ये नहीं कि एक ही वीडियो में इनको छोड़ देना है, हम दोनों साथ में जा रहेंगे जब तक मुजफ्फरपुर में है, आपको मुजफ्फरपुर का पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ का कुछ सीन एंजॉय करिए, कुछ वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पर और फिर आगे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। सो फिलहाल हमारा सारा ब्लॉग कम्प्लीट हो गया एंड हम लोग भी चलते हैं। बाय भैया, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तो आज का ये फोटो शूट सेशन हमारा व्लॉग में भी कन्वर्ट हुआ, एक बहुत अच्छा व्लॉग बना एंड बाकी तो आपको व्लॉग में देखने को मिल ही रहा होगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए, इसके बाद आप वो भी अभी अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं हर्ष भैया के पीछे जो भैया हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने व्लॉग को फिर घर पर से कंटिन्यू करते हैं। साइड में जाइए खत्म हो जाए उससे पहले बनाना कार।
चलते हैं इधर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम मिलते हैं फिर। गाड़ी का नंबर वायरल कर दो। क्या हुआ? इधर ही से जाना है।